दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मास्क के बारे में। डिस्कस करूँ, ये हमारा जो रेगुलर मास्क है उसके बारे में नहीं है। ये यूएस का एक टेस्ट फैसिलिटी है जो कैडर रॉक मैरीलैंड में स्थित है। तो बेसिकली यहाँ पे यूएस जो नेवी है ना, जो अपने यू नो एडवांस्ड शिप्स या सबमरीन्स या बोट्स जब लॉन्च करते हैं ना, उससे पहले वो मिनिएचर एक मॉडल बनाते हैं, रिमोट कंट्रोल मॉडल बनाते हैं, और वही मॉडल को इस इंडोर ओशियम की जो सेटअप है ना, वहाँ पे टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? बेसिकली ओशियन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के वेव्स क्रिएट होते हैं। तो वो ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली उनके जो शिप है, सबमरीन है और बोट है, वो कैसे इस वेव्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मास्क जो टेस्ट फैसिलिटी है ना, ये एक बहुत ही बड़ा फुटबॉल फील्ड जैसा है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, जिसका गहराई 20 फुट का है, विथ 240 और लेंथ 360 फुट का है। इंडोर ओशन के पूरे साइड में ना बेसिकली हाइड्रोलिक पैडल्स लगे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलीज करता है। तो बेसिकली जो पानी में इतना दबाव पड़ता है कि वो वेव्स का क्रिएशन करता है, तो वो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं कि किस तरीके का हमें वेव चाहिए, 1 हर्ट्ज़ का चाहिए, 2 हर्ट्ज़ का चाहिए, तो अलग अलग टाइप के वेव्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो एक्चुअली यहाँ के जो वेव्स के जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, और उसके हिसाब से जजमेंट पास करते हैं कि बेसिकली ये शिप, बोट और सबमरीन यहाँ पे ओशन में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो ये वहाँ पे मिनिएचर रिमोट कंट्रोल मॉडल्स टेस्ट करते हैं। इनका ये भी मानना है कि बेसिकली जहाँ पे अगर 1 फुट का वेव क्रिएट होता है पैडल्स के थ्रू, 1 फुट का वेव क्रिएट होता है, तो ओशन में वो 10 फुट करेगा। तो ये कंपैरिजन उन लोग करते हैं, 1:10 रेशियो की कंपैरिजन वो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे खाली नेवी के ही इक्विपमेंट्स टेस्ट नहीं होते, बेसिकली ये प्राइवेट कंपनीज होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जैसे याट या क्रूज शिप्स लॉन्च करते हैं, तो उनकी जो मिनिएचर मॉडल है वो यहाँ पे पहले टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे वेव्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बड़े बड़े वेव्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद ही वो लोग उसके रियलिस्टिक मॉडल लॉन्च करते हैं। और बहुत सारे यू नो इक्विपमेंट्स का टेस्टिंग होता है। तो बेसिकली ओशन में जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि ओशन के जो व्हीकल्स बोल सकते हैं ना, जैसे कि मैंने जैसे कि बताया अभी, जैसे कि ड्रोन बोट भी हो सकता है, शिप हो सकता है, सबमरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली सब का यहाँ पर टेस्टिंग होता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फैसिलिटी है, इंडोर ओशन का टेस्टिंग फैसिलिटी है। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी जाके मस्त मज़ेदार वीडियोज़ के साथ मैं वापस आने वाला हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।